हाय एवरीवन, दिस इज किमी। आप देख रहे हैं आपके सितारे किमी के साथ। आज है 25 अक्टूबर और आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 9:06 से लेकर 10:28 तक, और जो राहु काल है वो रहेगा 12:05 से लेकर 1:29 तक। तो ये था पंचांग। अब हम बात करेंगे ड्रीम्स की, सपनों की। अक्सर सपनों में हम देखते हैं राइस फील्ड्स को, चावलों की खेती को, तो उसका क्या मतलब होता है? इफ़ यू सी कि जो राइस फील्ड्स हैं, उस जो राइस अभी उगने शुरू हुए, दे आर जस्ट प्राउड, तो उसका ये मतलब होता है कि आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। इफ़ यू सी फार्मर इन द फील्ड्स, तो उसका ये मतलब होता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बहुत अच्छे एम्प्लॉय मिलने वाले हैं। अगर आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड, अपने जो आपकी लेबर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। एंड इफ़ यू सी कि जो राइस फील्ड है बहुत अच्छे से वो ग्रो किए हुए हैं और उसमें बहुत अच्छे वो गोल्डन कलर के हैं या ग्रीन कलर के, इट मीन्स कि बम्पर इनकम आने वाली है आपके पास। मीन्स आपको बहुत जल्दी छोटी नहीं बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर आप यही देखते हैं जो आपकी राइस फील्ड है वहाँ पे आप उसको इरिगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, आपके आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, फैमिली में हारमोनी आने वाली है। बट इफ़ यू सी कि जो आपके ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ पे बहुत हैवी रेन है या बहुत फ्लड्स आ गए, इट मीन्स कि आपके लॉसेस सफ़र करेंगे। तो ये थे ड्रीम एनालिसिस ऑन राइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहली 6 राशियों की, उनका आज का दिन कैसा होगा। लेट्स सी, जो एरीज हैं, जो मेष राशि वाले लोग हैं, आज का दिन आपको बहुत ही अच्छा है। बहुत आपने स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा ही आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थे, बट आज के दिन आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी हिम्मत के कारण, आपके हार्डवर्क के कारण आज के दिन आपको कोई सक्सेस मिलेगी और उस चीज़ को आप इंजॉय करेंगे। जो ये सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है तो आपको चाहिए कि और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं। हेल्थ आपकी बेटर होगी आज के दिन, रिलेशनशिप बेटर होंगे, कुछ नया करेंगे आप आज के दिन, कुछ नया करने का प्लान भी कर सकते हैं। और जो मेष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। इसके बाद बारी आती है टॉरियंस की। लेट्स सी, जो वृष राशि वाले लोग हैं, थोड़ी सी आपकी लाइफ में फ्यूचर को लेके थोड़ी सी आपके लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ चल रही हैं, बट अगर आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, खुद के फैसले खुद लें, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो गई। स्टबन बनने की ज़रूरत नहीं, अगर जितना आप स्टबन होंगे उतने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको नेम मिले, फेम मिले, कोई पोजीशन मिले, पावर मिले, तो अपने हिसाब से प्लानिंग्स करें, अपने हिसाब से चीज़ों को जो है, तो डेफिनेटली आपको आज के दिन प्रमोशन भी मिल सकती है और आज के दिन आपको कोई रिकग्निशन भी मिलेगी। और जो वृष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्लैक। इसके बाद बारी आएगी जेमिनाइज की। जो मिथुन राशि वाले लोग हैं आज के दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी रहेंगे, बहुत हेस्टी डिसीजंस ले सकते हैं। आज के दिन चीज़ों को आप इतनी सीरियसली नहीं लेंगे, तो उसके कारण इट माइट बी पॉसिबल कि उसके कारण आपके थोड़े से डिसीजंस गलत साबित होंगे। तो आपको चाहिए बहुत अच्छे से हर चीज़ पे दिमाग लगाएं, चीज़ों को सोचें, लोग आपका आज के दिन कोई फ़ायदा ले। नो डाउट आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपके पास इस वक्त आपकी सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, मीन स्मूथ चल रही हैं, बट आपको चाहिए फिर भी आपको कुछ ना कुछ अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए। और जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसेरियंस की। जो कर्क राशि वाले लोग हैं आज के दिन जो आप करेंगे आपको अकेले ही करना पड़ेगा, लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, थोड़े से आप इमोशनली डाउन फील करेंगे। आपको लगता है कि जो मीन्स आपको आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का टफ लग रहा है, चाहे वो रिलेशन है या आपका कोई प्रोफेशनल लाइफ है। हेल्थ में भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही, तो उसमें आपकी विल पावर चाहिए। जितना आप करेजियसली हर चीज़ को करेंगे टैकल, उतनी ही आपकी चीज़ें स्मूथ होंगी, अदरवाइज चीज़ें आपकी वहीं पे रुक जाएंगी। अगर आप चाहते हैं लाइफ में सक्सेस आपके पास आए, तो डेफिनेटली आपको आज के दिन स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप खुद ही अपने लिए चीज़ें अच्छी करनी शुरू कर देंगे, मीन्स अपने खुद पे ही वर्क करना शुरू करेंगे, खुद के लिए विदाउट एनी सपोर्ट चीज़ें स्टार्ट करेंगे, चाहे आपका वो बिज़नेस है, चाहे कोई प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, खुद अगर आप स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी उस चीज़ से रिलेटेड। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा लाइट ब्लू। नेक्स्ट हम बात करेंगे लियोस की। जो सिंह राशि वाले लोग हैं
आज के दिन आपको लोगों की सपोर्ट मिलेगी, जिन पे आपने भरोसा किया था आज के दिन वो लोग आपकी सपोर्ट भी करेंगे, वो फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं होंगे, तो लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे, आपके पीछे से बैक पे भी आपकी सपोर्ट करेंगे। तो जितना आज लोगों से आपने किसी फ़ायदा लेना है, सपोर्ट लेनी है, तो यू कैन। अगर आपको लगता है कि किसी हायर अथॉरिटी से अगर आपको कोई परमिशन चाहिए, कोई ग्रांट चाहिए, तो आज के दिन आपको उस चीज़ के लिए भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप बेहतर है आपके, बट फिर भी आंखें बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए उस चीज़ में डिले ना करें। जैसे सपोर्ट, जैसे आपको उनकी हेल्प मिले, आपके साथ के साथ लेके अपने काम या अपने वो चीज़ को स्टार्ट कर दें, ताकि वो चीज़ आपको, आपकी वो सक्सेस आपके पास जल्दी आ जाए। और जो सिंह राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गोस की। जो कन्या राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपका दिल टूट सकता है, लोग आपको आपकी बेसिकली आज के दिन कोई इंसल्ट हो सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपका जो सपोर्ट सिस्टम वो आज के दिन ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो लोगों को जितना आप धोखा देंगे, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में उतनी ही बढ़ेंगी। तो आपको चाहिए लोगों से प्यार से, हर चीज़ को प्यार से टैकल करें आज के दिन। और जो कन्या राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा रेड। इसके बाद हम बात करेंगे जिनका है बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले आप सबको कंग्रेचुलेशंस, आप हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल कैसा है, और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और आपके लिए एडवाइस क्या आती है। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो नो डाउट आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी। आपको कुछ आपके ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, या आपको लग रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ में आ रही है, तो किसी की सपोर्ट ऐसी मिलेगी जिसके कारण आपको एडवाइस मिलेगी, कोई आपको ऐसा ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा जिसके कारण आपकी हेल्थ बेटर होगी। तो जो आपके पास कोई नया ट्रीटमेंट आ रहा है, कोई एडवाइस आ रही है, तो उसको वेलकम ज़रूर करें, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी इस साल। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, और लोग अपनी सपोर्ट भी आपसे ले सकते हैं। तो आपको चाहिए इस साल आपने किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, और प्लानिंग्स बहुत अच्छी करनी है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपको थोड़ा सा स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। और आपके लिए एडवाइस आती है कि पैसों को रिलेशनशिप में बिल्कुल भी लेके ना आए। जितना आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपने रिलेशन में लेके आएंगे, उतना ही आपका रिलेशन ख़राब होगा, उसमें से स्वीटनेस कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था जिनका बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। लेट्स सी बाकी की 6 राशियों का आज का दिन कैसा है। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के। जो लिब्रंस हैं, आज के दिन आपको धोखा मिल सकता है, लोग आपको किसी हायर पोजीशन से नीचे लेके आने की कोशिश में है, आपके खिलाफ़ पॉलिटिक्स चल रहे हैं, या आपके खिलाफ़ कुछ ऐसी प्लॉटिंग चल रही है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दें, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं आज के दिन। और जो तुला राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा येलो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। जो स्कॉर्पियंस हैं, आज के दिन आप में बहुत अच्छा करेज है, अपनी टीम को, अगर आप किसी ऐसी प्रोफेशन में अपनी टीम के साथ आप मिलके काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बट कहीं ना कहीं अगर प्रोफेशन वाइज देखें, आपकी प्लानिंग्स में कमी है, करेज आप में है, बट आप में प्लानिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है। और रिलेशनशिप में थोड़ी सी हिम्मत करें, रिलेशनशिप को बेहतर करें, चीज़ों को बीच में ना छोड़ें। अगर आप चीज़ों को बीच में छोड़ेंगे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते चीज़ों को दोबारा ठीक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आज के दिन स्टेप लेना पड़ेगा। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा बेज। इसके बाद बारी आती है सेजिटेरियंस की। जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज के दिन हम सेटिस्फाइड रहेंगे, चाहे आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, कुछ भी है। आज के दिन आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उससे आप खुश रहेंगे। मीन्स जो आपके पास है, आज के दिन आप उस चीज़ की खुशी मनाएंगे, कंटेंटेड फील करेंगे। रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, आपको वहाँ पर सेटिस्फेक्शन रहेगी। और जो धनु राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा पिंक। नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रिकॉन्स पे। लेट्स सी जो मकर राशि वाले लोग हैं, आज के दिन थोड़ी सी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती है, डोमेस्टिक लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, फैमिली में हार्मनी की थोड़ी सी कमी रहेगी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आज के दिन। और आपका जो लकी कलर वो रहेगा ऑरेंज। इसके बाद बारी आती है एक्वेरियंस की। लेट्स सी जो कुंभ राशि वाले लोग हैं,
आज के दिन पैसों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, थोड़ी सी आपकी टेंशन स्ट्रगल्स खत्म होंगी, जो चीज़ आप चाहते थे आपकी वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आप कुछ प्लानिंग इतनी बड़ी बड़ी अभी नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं आज के दिन आप हर चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, अपने पे टाइम स्पेंड करेंगे। और जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्लैक। इसके बाद बारी आती है लास्ट पे पाइसेस की। जो मीन राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपकी कोई मीटिंग्स हो सकती हैं, आपकी कोई पार्टनरशिप हो सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी आज के दिन मैरिज भी फिक्स हो सकती है। कहीं भी आपको लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो किसी और को आप डाल के या उनके साथ मीटिंग करके वो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। कहीं भी आपको लगता है रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो किसी की हेल्प के कारण आपके किसी की हेल्प लेने से या किसी को बीच में डालने से आपके वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी ख़त्म हो सकते हैं। सो आज का दिन जो है पार्टनरशिप के लिए बेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए बेस्ट, और रीयूनियन का आज का दिन है और नए कोई आपको डील्स भी मिल सकते हैं आज के दिन। और जो मीन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ग्रीन। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहे आपके सितारे किमी के साथ। थैंक यू।